यार मैंने कभी ये चीज नहीं सोची थी कि जब हम लोग ने कुछ चीज सोची है, हम लोगों ने कुछ कॉमेडी बनाने का सोचा है, तो वो चीज हम लोग ने काम करते 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 इतना बड़ा हो गया, कभी इतना बड़ा हो जाएगा कभी कभी नहीं सोचा था। यू नो आई डिडंट इवन एवर थिंक अबाउट दिस। ना मुझे ना ये चीज बताते हो, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि जो वो स्टूडेंट नाम की कॉमेडी हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है, और उसकी जो वेबसाइट हम लोगों ने बनाई थी वो स्टूडेंट नाम की, उसमें सिर्फ 2 दिन के अंदर हम लोगों को 493 रजिस्ट्रेशन मिले। 493, नाउ दिस इज द वेरी बिग थिंग, राइट। और हम लोग इंस्टाग्राम पेजेस पे भी हम लोग आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते, इतना अच्छा लगता है, इतना खुशी होती है। एंड उससे भी बड़ी बात यह है कि जो अगले इनटेक में ना 127 स्टूडेंट को हम लोग एकोमोडेशन, फूड और ये सारी चीजें प्रोवाइड करें 127 डिफरेंट पार्ट्स इन कैनेडा, जैसे कि वैनकोर में बच्चे जाते हैं, फिर टोरंटो में है, ब्रैम्पटन में, उन सभी 127 स्टूडेंट को हम लोग यार एकोमोडेशन, फूड, पार्ट टाइम जॉब्स अप्लाई कर, मतलब उनको देने वाले हम लोग, उनको प्रोवाइड करने वाले हर एक चीज, ठीक है। ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये कम्युनिटी है स्टूडेंट्स की, जहां पर हम एक दूसरे की मदद करते हैं और हम लोगों का सबका फायदा होता है, ठीक है। नाउ ये चीज के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ यहाँ पर, है ना, सिर्फ मैं आपसे बात करता हूँ स्टूडेंट की, लेकिन इसके पीछे ना बहुत सारे लोगों ने हेल्प की है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है, सब स्टूडेंट्स ही है, ठीक है। तो वो लोग पार्टनरशिप के लिए, है ना, जगह जगह जाते थे कि भाई हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स है, हम लोगों को, है ना, पार्टनरशिप के लिए ये चाहिए, हमको उनके लिए घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और हम लोग मिल मिल के हम लोग ने इतनी मेहनत किया, और अभी हम सब लोग 127 स्टूडेंट आज के दिन में, और ये बढ़ भी जाएंगे, ठीक है। 127 स्टूडेंट को हम लोग हर एक चीज प्रोवाइड करने, जैसे कि एकोमोडेशन, फूड, पार्ट टाइम जॉब से लेकर हर एक चीज प्रोवाइड करने, लाइक दिस इज द बेस्ट थिंग एवर, यू नो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग, है ना, यही बात करने वाले कि जो आप इंग्लिश होता है आईएलटीएस अगर आपसे क्लियर नहीं होता तो उसको किस तरह से क्लियर किया जाता है, कौन से तरीके है, ठीक है। तो ये वीडियो चालू करने से पहले ना हम लोग थोड़ा फैक्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ना अगर कोई भी चीज में अगर आपको मास्टर करना है ना, तो आपको उसके प्रॉब्लम्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ही आप अगर कोई चेंज लाना चाहते हो तो चेंज आता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम लोग इंग्लिश सीख क्यों नहीं पाए अभी तक, ठीक है। हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं, फिर भी हम लोग से इंग्लिश नहीं सीखी जा रही है। हम लोग एक लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन में रहते हैं, फिर भी हम लोगों को इंग्लिश में आइल्स जो है हमारी वो क्लियर करने में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके रीजन क्या क्या है, ठीक है। देखो, उसका सबसे पहला रीजन ये है कि जो हमारा इंडिया है ना भाई, हमारा भारत देश, उसमें अगर तुम लोग इंग्लिश सीखते हो, अगर इंग्लिश बोलना आपको आता है तो एक स्टैंडर्ड कहलाता है। अगर आपके पास इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है तो आप, है ना, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में हो, और अगर इंग्लिश आपको अगर नहीं आते ना तो आपका कोई लेवल नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर फ्रेंड्स जो सर्कल होता है, फ्रेंड्स ग्रुप होता है, तो अगर उसमें आपको इंग्लिश आता है ना तो फिर आप बहुत ज्यादा कूल हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है ना तो आप, है ना, नॉर्मल से बंदे हो, ठीक है। तो ये हमारे दो प्रॉब्लम्स हो गए। अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम्स देख लिए, अभी मैं ना हमें मेरी बात करता हूँ, ये चैनल चालू करने से पहले जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, चैनल चालू करने से पहले मैंने बहुत सारी चैनल्स बनाई थी, और उसके बाद, है ना, ये वीडियो अभी भी लाइव यूट्यूब पे है, और आप जाके देखना है तो देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ मेरी इंग्लिश इस तरह की थी। थिंग एवरीबडी, टुडे ऑन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डाउनलोड विद टोरेंट, मीन्स हाउ टू डाउनलोड अ मूवी, सॉन्ग्स एंड मैनी मोर वेरी फ्री। जस्ट यू हैव टू डू इज ओपन गूगल क्रोम, फर्स्ट एंड ऑल यू हैव टू डाउनलोड गूगल टोरेंट। आपने देखा वो पूरी टूटी फूटी इंग्लिश। नाउ यू नो व्हाट्स द वर्स्ट पार्ट, मैं ना सेकंड स्टैंडर्ड से लेके अभी तक सभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, ठीक है। सीबीएसई जो हमारा बहुत हाई लेवल का जो है वो उस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, मतलब उस लेवल से मैंने पढ़ा है, फिर भी मेरी इंग्लिश ना बहुत कच्ची थी, और अभी भी मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम्स होता है। बस वही, क्योंकि ना देखो होता क्या ना कि आप अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, और अगर आप अपने जो फ्रेंड्स ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करते हो ना, तो आपकी टूटी फूटी इंग्लिश है ना, आप लोगों का मजाक बनाया जाता है। अगर आपको अगर नहीं आता है तो, है ना, आपको कोई ग्रुप में इंक्लूड नहीं करता है, तो आप कूल नहीं हो, और उसी चीज में ना अभी आप कभी ट्राई नहीं करते हो, ठीक है, इंग्लिश बोलना, ये कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने ना इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला, बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन है। देखो, जब आपके दोस्त वगैरह अगर कुछ नहीं आता है ना तो उनको छोड़ दो, ठीक है, उनको छोड़ दो, और, है ना, बाकी सारी की सारी चीजें है, जैसे कि, है ना, अभी कॉल सेंटर में कॉल कर लो, और अभी जैसे ही आपके प्रॉब्लम्स है ना, तो उनके आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हिंदी में बात करो या तो इंग्लिश में बात करो, अगर लोकल लैंग्वेज है तो वो उसका अलग हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा, है ना, इंग्लिश चूज करो, ठीक है, क्योंकि वो कॉल सेंटर वाली बंदी या बंदा होगा ना, वो आपसे क्या बात करेगा, ठीक है, हर एक चीज आपसे ना अच्छे से बात करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद अगर कुछ होता नहीं तो दे डोंट रियली नो अस, राइट, कुछ फायदा नहीं है, मतलब कोई मजाक तो नहीं बनाएगा ना, उस बहाने हम लोग इंग्लिश भी सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यू नो यहाँ पर उससे भी अच्छा कौन सा तरीका है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, ये कैम्बली नाम का एप्लीकेशन। नाउ दिस इज द बेस्ट पार्ट, यू नो, क्योंकि, है ना, मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स होता था, मैं क्या करता था कि, है ना, ये इस यहाँ पर इन ट्यूटर से मैं बात कर लेता था
कि भाई देखो दिस इज माय इंग्लिश एंड लेट मी नो व्हेन आई नीड टू इम्प्रूव माय इंग्लिश. ओके, तो मैं जब भी उनसे बात करता था, मैं अलग अलग टॉपिक्स पे उनसे बात करता था कि कैसे, मतलब कैजुअल है ना, क्योंकि वो लोग कभी हंसते नहीं है. और जब भी आप कनाडा भी यहाँ पर आ जाओगे ना, तो अब अगर आपकी इंग्लिश भी टूटी फूटी होगी, देर इज नो वन टू लाफ एट यू, यू नो, यहाँ पर कोई भी किसी पे भी हंसता नहीं है. इसलिए आपका ग्रोथ है ना, वो हमेशा ऐसे बढ़ता जाता है हर एक चीज में. ठीक है, नाउ अगेन आई सेड यू, इंग्लिश इज नॉट अ लेवल टू मेजर योर इंटेलिजेंस, राइट? तो इंग्लिश लेकिन हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब आप कनाडा में आ जाओगे ना, तो उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग इंग्लिश वो लोग बोलते हैं, एंड नाउ वी नीड टू इंटरेक्ट विद देम. अगर हम लोगों को कोई बिजनेस प्रपोजल भी लेके जाना, तो इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है ना, इंग्लिश सीखना है तो आपको है ना इंग्लिश स्पीकिंग स्पीकर्स के साथ आप लोगों को इंटरेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, ये मैंने ना बहुत अच्छी चीज देखी, ये कैम्बी नाम की ऐप है ना, तो उसमें जो जितने भी टीचर्स है ना, वो सारे के सारे कैनेडियन वर्जन में, मतलब कैनेडियन वर्जन वो टीचर्स होते हैं, और आप उससे बहुत अच्छे से कैनेडा के जो एक्सेंट होता है उसके हिसाब से आप बात कर सकते हो. और यू वॉन्ट इवन रियलाइज कि आपका जो इंग्लिश है ना, वो धीरे धीरे इतना इंप्रूव हो रहा है. ठीक है, और मैं अभी है ना इन जो कैम्बली के ट्यूटर्स हैं उनके साथ भी मैं बात करता हूँ. उसका रीजन ये है कि मेरा इंग्लिश अभी भी पुअर है, यू नो, आई नो माई इंग्लिश इज पुअर. मेरे को है ना बहुत सारे लोग, आप में से ही लोग बोलते हो कि भाई इंग्लिश इम्प्रूव करना आपको जरूरत है, मतलब मुझे जरूरत है. ठीक है, इवन आई फील नाउ पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी जब आप अप्लाई करने जाओगे ना, तो आपके पास अगर इंग्लिश नहीं होगा ना, देन दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू, यू नो, द पार्ट टाइम जॉब्स. तो यहाँ पर भी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये क्लिप दिखाता हूँ, मैंने अभी अभी रिकॉर्ड किया था, मैंने खुद के रिविजन के लिए रिकॉर्ड किया था कि किस तरह से ये लोग यू नो मेरे को इंग्लिश इंप्रूव करने का बोलते हैं और इंग्लिश किस तरह से इंप्रूव होती है. ठीक है, तो लेट्स सी दिस वीडियो. ओके गाइस, सब है ना ये कैम्बली वालों से बात करने की कोशिश करते हैं. ये देख रहे हो कैम्बली ऐप, ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो आप जाके सीधा इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, और सीधा अगर डाउनलोडेड है तो इसको ओपन कर सकते हो. देखो भाई, बहुत सीधा सा प्रोसेस है. अगर इसको राइट स्वाइप करते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ट्यूटर्स अवेलेबल है ना, उन सब की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर. हर एक मतलब जितने भी ट्यूटर्स है, आपको स्पेसिफिक ट्यूटर से बात करना चाहो तो उनसे आप यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो और उनकी डिटेल्स देख सकते हो. और अगर आपको किसी भी रैंडम बंदे से बात करना है जो अवेलेबल है, तो आप सीधा यहाँ पर प्रैक्टिस इंग्लिश पे बटन कर सकते हो. हे हाय, हेलो, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी. माय नेम इज रोलैंड. यस, एंड आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स. लेट मी गेस, आई एम गोइंग टू से दैट यू लिव इन पाकिस्तान. नो, आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम इंडिया, नियर बाय पाकिस्तान. ओके, सो Roland, before like I discuss about more information, I would like to tell you that I'm recording this video. Is it fine for you? So that I can revise these things and improve my English. Yes, that's fine. Oh, perfect. And I gave my IELTS examination, but the problem was when I gave my IELTS examination, the speaking test, I was so nervous and I was not able to think about ideas and I don't know. So you did all right on the writing? Did okay yes, I did 6.5 bands in writing. Reading 6.5 bands, but in listening and speaking, I just scored 5.5 bands. Okay, so and what do they require at the university where you want to go? What do they? So they require? They usually required 7 bands overall, and no band should be less than 6.5 bands. Okay. So. You get another chance at it. Listen, thus far, have you understood everything that I say? Do you understand everything I say? Yes, right now I'm understanding, but the time when I give examination, I'm so nervous and I'm not able to, you know, process the ideas as what I can do in my local language. So, I mean, this is easier said than done, I will tell you. Because je parle plus français, mais la France, la langue française, c'est très, très difficile pour moi. So, Cambly, there are native English speakers every minute of the day. Yes, even since the time I gave the last examination and I feel troubled, I started doing this Cambly thing and seriously, I'm getting confidence. Like, right now, if I'm speaking it, I'm speaking a little slow. Like, before I used to speak, like, very fast and... they don't used to understand, and the tutors,
Well, actually saying gave me the feedback that I should be speaking little slow as compared to the, you know, the word I'm speaking, right? ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों को लास्ट में सिर्फ यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सीखना पड़ेगा, और उसके बिना आप है ना कनाडा में नहीं आ पाओगे. एक तो आयल्स अगर क्लियर होगा तो ऑफकोर्स नहीं आ पाओगे, और उसके बाद अगर आपका इंग्लिश पुअर है कनाडा में आने के बाद भी, ठीक है, तो आपको एक तो पार्ट टाइम जॉब्स में प्रॉब्लम्स होगी. जब आप प्रेजेंटेशन कॉलेज में दे रहे हो तो वहां पर मार्क्स आपको कम मिलेगा, और हर एक चीज बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं. सो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों लेने का है ना, अभी आपके पास टाइम है. जस्ट फोकस ऑन योर यू नो योर एक्सेलेंसिंग इन इंग्लिश, और अब जैसे ही आप एक्सेल करते जाओगे धीरे 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 धीरे, तो आपका ही फायदा है. लाइक लाइफ में एक ही बार तो हम लोगों को मेहनत करनी है इस चीज के पीछे, तो अभी क्यों ना कर ले, ठीक है. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. जय हिंद, वंदे मातरम.